नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद फरीद सिद्दीकी, A99 न्यूज़ वॉइस ऑफ इंडिया में आपका खैर मकदम करता हूं। साउथ जोन DCP की जानिब से आज कॉर्डन सर्च प्रोग्राम अमल में लाया गया, यानी घर घर तलाशी मुहिम। ये मुहिम आज सुबह 5:30 बजे शुरू की गई, जिसमें 250 से करीब पुलिस मुलाजमीन ने हिस्सा लिया और इनके अलावा एडिशनल DCP, ACP फलकनुमा, ACP चार मीनार, ACP मीर चौक के अलावा दूसरे अलाउदेदार भी देखे जा सकते हैं। ये तलाशी मुहिम मीर चौक, शिवाजी नगर, छतरी नाका, सुल्तानशाही और दीगर इलाकों में की गई। तफसीलात बताते हुए वी सत्यनारायणा ने कहा कि इस तलाशी मुहिम के दौरान 150 टू व्हीलर्स को जब्त किया गया और एक ऑटो और एक उस शख्स को जो काला जादू किया करता था, जिसका नाम रामकृष्णा है, और इसके कब्जे से तमाम जादू की अशियाओं को भी जब्त कर लिया गया और एक वो टोली जो गैरकानूनी तौर पर गैस भरा करती थी, उसे भी हिरासत में लिया गया और एक फाइनेंसर। इसके बाद 56 सस्पेक्ट को हिरासत में लिया गया, जिसमें से 26 का ताल्लुक पुराने जरायम से बताया जा रहा है। बाकी के 30 की काउंसलिंग और इनके फिंगरप्रिंट लेने के बाद इन्हें छोड़ दिया जाएगा। आइए नाज़रीन हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अहमद की एक तफसीली रिपोर्ट। ओपन जी दो ही लोग, दो बच्चे, हाँ दो बच्चे हैं। तो अंदर मंगल आ जा, मंगल आजा, अंदर आजा। पूरे बड़े हैं, पूरे बड़े हैं। तुम इधर आया कौन सा बेटा है? कौन सा बेटा है? बोला5:30 से एडिशनल DCP साउथ जोन, ACP पलकनामा, चार मीनार, मीर चौक, संतोष नगर जानिब से 250 पुलिस फोर्स से शिवाजी नगर चित्रनाका लिमिट्स पे लाल दरवाजा एरिया, शिवाजी नगर गौलीपुरा बालागंज और उस मुगलपुरा एरिया में सुल्तान शाही, ये मिक्सड लोकेलिटी से कम्युनली बहुत सेंसिटिव है। वो लाल दरवाज़ा एरिया में भी बोनालू आने वाला चौहार है, सो एरिया को थोड़ा सैनिटाइज करने के लिए यहाँ कुछ गड़बड़ चल रहा है। कम्युनिटी से बहुत बहुत कंप्लेंट्स है। सो इस मामला में आज अभी तक कार्डन सर्च ऑपरेशन करा। ये कार्डन सर्च ऑपरेशन में 150 व्हीकल्स है, 150 टू व्हीलर्स, एक ऑटो, एक काला जादू, वो
नॉर्मल मासूम लोगों को डुबा रहा है, रामकृष्णा इसका नाम। दूसरा बार है उनके पास शीट भी है और एक इलीगल गैस फिलिंग स्टेशन, एक फाइनेंसर और 56 सस्पेक्ट्स को कस्टडी में ले लिया। ये 56 में 26 आदमी वर्ल्ड क्रिमिनल रिकॉर्ड है। 30 को उनको चेक करने के लिए, आधार गेदार चेक करने के लिए हम उनको छोड़ रहा है, उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये 26 का एक बार काउंसलिंग करके एरिया में कुछ गड़बड़ नहीं करने के लिए हम काउंसलिंग करके करेंगे, छोड़ेंगे। और जो आदमी के ऊपर बाइंड ओवर केसेस जरूरत है वो बाइंड ओवर केसेस भी लगाए जाएंगे।